पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हमले पर मुस्लिमों ने इसकी कड़ी निंदा की है और शहर पेश इमाम मुफ्ती मोहम्मद कमर के नेतृत्व में दर्जनों मुस्लिमों ने आज धामपुर तहसील पहुंचकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम धीरेन्द्र व सीओ महावीर रजावत को सौंपकर पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हमला पर हुए हमले की दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन में अवगत कराया गया है कि हिंसा किसी भी समाज से हो स्वीकार्य नहीं है। ननकाना साहिब हो या फिर कोई भी धार्मिक स्थल, उस पर किसी भी प्रकार का हमला किया जाना शर्मनाक है, क्योंकि धार्मिक स्थल पर पवित्र ईदगाह होती है जहां पर जाकर सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं। किसी भी रूप से नुकसान पहुंचाना कायराना हरकत है। ननकाना साहिब में हमले करने के पीछे जो भी दोषी है, पाक सरकार उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इसके साथ उन्होंने भारत सरकार से इस मामले में सख्त स्टेप करने की मांग की। आप देख रहे हैं आरसोनी न्यूज़ के लिए दौलत शर्मा की ये रिपोर्ट आरसोनी न्यूज़ पर। मुफ्ती मोहम्मद कमर, शहरी माम थाम। हम आज विज्ञापन एसडीएम के माध्यम से हुकूमत पाकिस्तान को पहुँचाना चाहते हैं और हम वो वाकया जो पाकिस्तान में हुआ ननकाना में गुरु नानक जी के जन्म जगह पर कि वहाँ पर तोड़फोड़ हुई, हम उसकी मुखालफत करते हैं और कड़ी अल्फाज के अंदर उसकी निंदा करते हैं और मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।